भाई से ये मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है यहाँ से। इतनी लंबी लाइन लग रखी है, अरे मैं आपको रायता, राइस, सब्जी, हलवा वगैरह मिलता है। यहाँ पे गर्म पानी आता है, ट्रैवलिंग करने आते हैं और यहाँ पे गंदगी फैला के जाते हैं। वेट के हिसाब से इसका किराया होता है। अपने की कोई जगह नहीं है। अब इसके आगे देखो काफी ज्यादा खड़ी चढ़ाई आ जाती है। मात्र 300 रुपए में हमें यहाँ पे टेंट मिल गया था। पहाड़ों की खूबसूरती धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस स्टैचू को देख के आप पहचान ही होंगे कि मैं कहाँ आ रखा हूँ। मैं आ रखा हूँ हरिद्वार। और हरिद्वार क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाती है चारधाम यात्रा। तो ये मेन पॉइंट है, यहाँ से आपको आना है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे। अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको चारधाम यात्रा की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर बस में जाना चाहते हो तो कैसे आप टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, सारा प्रोसेस बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस देखो, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे जगह जगह केंद्र बने हुए हैं। चारधाम यात्रा निःशुल्क पंजीकरण केंद्र है। गाइस ये मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है यहाँ से। ये चारों धाम के लिए हुआ है रजिस्ट्रेशन। ऑलरेडी मैंने करवा रखा था, बट मैंने करवा लिया क्योंकि मेरा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। तो ये ऑफलाइन काउंटर है। ये मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ कहाँ से आपको करवाना है। ये हरिद्वार का बस स्टेशन है और ये होटल राही के पास में है। यहाँ से मैंने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप भी यहाँ से करवा सकते हैं। देखो गाइस, आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाया होटल राही के पास में, रजिस्ट्रेशन काउंटर मैंने आपको बताया, उसी के पास में GMOU लिमिटेड हरिद्वार कंपनी है जो कि अपनी बस सेवा देती है चारधाम यात्रा के लिए। यहाँ से मैं टिकट लेने वाला हूँ केदारनाथ यात्रा के लिए, तो मैं सोनप्रयाग के लिए टिकट लूँगा। तो गाइस जो टिकट का चार्ज है वो 550 रुपये है। अगर आप टैक्सी वगैरह जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग करा सकते हैं। अगर मैं सोनप्रयाग की बात करूँ, सोनप्रयाग अगर आप जाते हैं तो छोड़ने का टैक्सी का 10,050 रुपये चार्ज है, इसमें चार लोग बैठ सकते हैं। सो गाइस, आज हरिद्वार में हमारा दूसरा दिन है और कल मैंने जैसे कि आपको पता है कि बस बुक कराई थी, तो आज सुबह की 4 बजे हमारी बस है। ये कम से कम 3 बजे हमें पहुँचाएगी सोनप्रयाग। डोली ओखे मठ से केदारनाथ जा रही है, उसके मैं दर्शन करवा रहा हूँ। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ सीतापुर, और सीतापुर में मुझे एक शख्स मिला है जिससे मैं 1 साल पहले मिला था। दोबारा हमारी मुलाकात हो रही है केदारनाथ में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हरजीत है जो मैं से पिछले साल मिला था केदारनाथ के टूर पे, तो इस बार हम साथ में करने वाले हैं। जी जरूर, भाई, जरूर। कैसा लग रहा है, भीड़ कैसे होने वाली है इस बार? भीड़ अभी पहले जैसा ही है, सब कुछ पहले जैसा ही है। वो आपको बताया ना यात्रा के बारे में, वो बर्फबारी ज्यादा हो रही है। जिसके अंदर मैं हरिद्वार से आया हूँ, जो मुझे सीतापुर उतारी है। बोलते सोन पर आ गया, बट जब जाम वगैरह लग जाते हैं तो ये सीतापुर ही उतारती है। आधा किलोमीटर का गैप है दोनों सिटी के। आधा 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर मान लो। ये ऊपर वाला जो रोड जा रहा है ना, ये जा रहा है सोन पर, फिर वहां से टैक्सी करेंगे, फिर पहुंचेंगे गौरीकुंड। अभी मैं आ चुका हूँ सोनप्रयाग की पार्किंग के अंदर और यहाँ पे भंडारा चल रहा। तो भाई ने बताया कि यार यहाँ पे इस बार भंडारा लगा, तो हम भंडारे के अंदर लंगर चखने आ गए, पंजाबी में बोलूँ तो। तो यार इस बार जो फैसिलिटीज है ना, काफी अच्छी मिलने वाली है। और भाई लोग बोल रहे हैं यार आगे जाने नहीं दे रहे, लेकिन देखो इतनी दूर से बाबा के दर्शन करने आए ना, तो सारी चीज अच्छी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। हरजीत, कमल, नीरज भैया, चलेंगे चलेंगे, हर हर महादेव। देखो ये पार्किंग है ना, इसमें अगर 4-व्हीलर पार्क करते हो तो 100 रुपये आपको देने पड़ते हैं 12 घंटे का। अगर मैं बाइक की बात करूँ तो बाइक के 60 रुपये देने पड़ते हैं 12 घंटे के। तो गाइज अभी मैं सोनप्रयाग था और भैया आए हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले से, 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल पे ये कर रहे हैं। 26 जनवरी 2023 को ये घर से निकले थे। तो अभी कितना अपने ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए? मेरे टोटल 8 हुए। 8 हो गए। और ये अभी पकड़ के 9वां हो जाएगा। कितने 1000 किलोमीटर? मतलब मैं रोज का, मतलब अभी तो थोड़ा कम कर दिया है 3-4 दिन से, नहीं तो 100-150 किलोमीटर रोज चला।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरा तीसरा दिन है और मैं सीतापुर में रुका हूँ। सीतापुर में इसलिए रुका क्योंकि यार गोरीकुंड के अंदर क्या है, रूम वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीतापुर में सस्ते रूम्स वगैरह मिल जाते हैं, इसलिए सीतापुर में मैं रुका था। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्रैक करने के लिए। उससे पहले मैंने सोचा आपको ये होटल मैं दिखा दूँ। इस होटल की खासियत होता हूँ क्या है, यहाँ की रूम भी क्लीन है। बाहर से आपको अभी काम चल रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा यार बहुत गंदगी है, गंदगी नहीं है। यहाँ पे फर्नीचर का काम वगैरह चल रहा है, रूम वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। ये भाई लोग हैं, भाई लोग अभी तैयार हो रहे हैं। तो देखो अभी हम यहाँ पे डबल बेड है और सिंगल बेड भी लग रखा है, रूम है। अभी तो पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। ये मात्र 500 रुपये में आपको ये रूम मिल जाता है। लेकिन लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, लोग आते जाएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी, तो जो टैरिफ है वो बढ़ने वाला है। होटल मंदाकिनी, आप इनसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। गाइस सोन प्रयाग की जब सुबह पार्किंग देखी थी ना, एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। अब देखो जाम, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो ये सोन प्रयाग की पार्किंग है और यहाँ से मैं जाऊँगा गोरीकुंड। गवर्नमेंट ने एक चीज़ काफ़ी अच्छी करी है कि यहाँ पे जो खच्चर का जो चार्ज है वो मेंशन कर रखा है, ऐसे बड़े बड़े बैनर्स लगा रखे हैं। तो अगर मैं बात करूँ सोन प्रयाग से लेके बेस कैंप केदारनाथ के, तो उसके है 3,050 रुपये प्लस 150 रुपये GST लग के 3200 रुपये पड़ता है। सोन प्रयाग से लिंचोली एक जगह है, 16 किलोमीटर है, वहाँ का 2250 रुपये है। अलग अलग रेट है। इसके अलावा आपको पैसा नहीं देना है जब भी आप कोई कहीं से भी खच्चर वगैरह कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं देना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसका नॉर्मली जो चार्ज होता है 50 रुपये पर पर्सन होता है। दो गाइस कितनी लंबी लाइन लग रखी है, मैंने बोला था ना आपको। तो ये पूरी भीड़ है केदारनाथ जाने के लिए और यहाँ कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। और देखो हर जगह रजिस्ट्रेशन काउंटर बन रखे हैं। ये सोन प्रयाग का रजिस्ट्रेशन काउंटर है। भाई साहब लाइन बहुत लंबी थी, जैसे ना जैसे करके पुलिस वाले तो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन जुगाड़ करके मैं तो आगे आ गया हूँ, वरना 3-4 घंटे वही ख़राब हो जाते। गाइस देखो इस बार क्या है, बल्लियाँ लगा दी है, बल्लियों के यहाँ से एंट्री दे रहे हैं, यहाँ से चलना है। यहाँ पे खच्चर और गाड़ी के लिए जगह, तो मैं सोन प्रयाग से आगे जा रहा हूँ, टैक्सी ले रहा हूँ और गोरीकुंड के लिए। यार पीछे तो बहुत बड़ी लंबी लाइन लग रही थी, तो हमने बोला पैदल जाना है हमको, तो ये टैक्सी की लाइन लग रही है जो भी आप देख रहे हो। तो पैदल जाने के बहाने हम आगे हैं, बाकी तो लंबी लाइन बहुत है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो तो गाइज टैक्सी सोन प्रयाग से हमें लेकर आई है और गोरीकुंड उतार दिया। लो जो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ गोरीकुंड। गाइज जो पालकी आती है ना डोली बाबा केदारनाथ की, वो यहाँ रुकती है। अभी यहाँ पे भंडारे की लाइन लग रही है। तो गाइज भंडारे में आपको रायता, राइस, सब्जी, हलवा वगैरह मिलता है। गाइज ये है गोरीकुंड में गर्म पानी का कुंड, यहाँ पे गर्म पानी आता है, खोलता हुआ पानी। तो देखो लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। पानी कम रहता है, लेवल कम रहता है, लेकिन गर्म पानी रहता है। गोमुख से ये पानी निकल रहा है गर्म। इसी के पास में है रिवर। तो गाइस देखो लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने, लेकिन धर्म करने आते हैं और यहाँ पे से पाप लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं देखो आप, गंदगी लोग यहाँ पे कितनी गंदगी फैला रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो ब्रश कर रहे हैं सामने ही, सब कूला वगैरह सब कुछ उधर ही देखो। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करो यार, गंदगी बिल्कुल भी मत फैलाओ। मैंने पहले भी सबको ये मैसेज दिया था, अभी भी दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी करते हैं। स्पेशली जो यहाँ पे टेंट लगा के रहते हैं ना लोग, वो लोग ट्रैवलिंग करने आते हैं और यहाँ पे गंदगी फैला के जाते हैं। तो कितनी गंदगी फैला रखी है, जहाँ देखोगे वहाँ गंदगी फैला रखी है। ये देखो गाइस इस बार केदारनाथ का जो ट्रैक है ना सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत चेंजेस कर दिए गए। ये पहला गेट आया है, पहले गेट नहीं था, इस बार गेट भी बना दिया। तो गाइस अगर आप पैदल नहीं आ सकते, खच्चर पर नहीं बैठ सकते, हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए है बास्केट, बास्केट से आप आ सकते हैं। वेट के हिसाब से इसका किराया होता है। 50 किलो की बात करूं तो 7,000 से 8,000 रुपये ये लेते हैं।
गाइस करीब 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई करके मैं आ चुका हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे बहुत प्यारा व्यू मिलने वाला है सभी को। और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी मैं जाऊँगा, फिर आपको वो भी विलेज दिखाऊंगा। पॉइंट है अलग अलग, वो सारे मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। गाइस अब मैं पहुंच चुका हूँ भैरव बाबा के मंदिर। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है जंगल चट्टी। भैरवनाथ मंदिर से भैरव बाबा। तो गाइस अभी केदारनाथ का जो मंदिर है 10.5 किलोमीटर की दूरी पे है। छोटी लिंचोली है, 3.5 किलोमीटर की बेस कैंप है, 9 किलोमीटर भीमबली है 500 मीटर की दूरी पे। गाइस अब मैं आ चुका हूँ भीमबली और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है रामबड़ा, फिर है 5 किलोमीटर की दूरी पे लिंचोली। तो ये भीमबली के अंदर भी आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम के रूम्स वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, जो कि GMVN की साइट पे जाके बुकिंग करवा सकते हो। गाइस देखो अभी हम रुके हैं उस जगह का नाम है भीमबली। भीमबली एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो केदारनाथ बाबा की जो पालकी आती है, डोली आती है, उसका यहाँ पे ठहराव होता है। और यहाँ गाजे बाजे के साथ पालकी का वेलकम किया जाता है। उसके साथ ही पालकी यहाँ पे रुकने के बाद आगे बढ़ती है। पहले रामबाड़ा एक जगह थी जहाँ पे पालकी रुकती थी, बट जब त्रासदी आई थी, जैसा कि 2013 में आपको सभी को पता है केदारनाथ में बादल फटने के कारण त्रासदी आई थी, तो वो जो रामबाड़ा एक जगह है वो अब टैक्स मैच हो चुकी है, तो वहाँ अब ठहराव नहीं है, इधर ठहराव है। अब देखो भीमबली में क्या फ़ायदा है, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना एक स्टॉपेज ले सकते हैं। जब भी आप थोड़ा लेट आप अगर गौरीकुंड से निकल रहे हैं, अगर शाम हो जाए आपको। और सेकेंड चीज़, यहाँ पर काफ़ी सारे ढाबे वगैरह रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खा पी सकते हैं, और गवर्नमेंट के भी यहाँ पे रूम्स वगैरह बन रखे हैं। जैसा कि आपको पता है GMVN एक साइड है, वहाँ पे जाके आप रूम बुकिंग करा सकते हो। गढ़वाल मंडल विकास निगम है उसका नाम पूरा, उसकी साइड पे जाके आप अपने लिए रूम बुक करा सकते हो। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं वो जगह है, एक इमरजेंसी में यहाँ पे हेलीपैड बना रखा है। अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ खाने पीने की चीज़ हम यहाँ पे बना लें, मैगी वगैरह, इसलिए हम यहाँ पे रुके। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूँगा आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हम इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दे रहे हैं, उसका कारण यह है कि जब भी आप आएँ तो आपकी जो यात्रा हो वो सुखद हो, इसलिए हम आपको जगह जगह पर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, हर चीज़ आपको बताते रहते हैं। गाइस देखो भीमबली में आया हूँ और यहाँ पे आते ही एक प्रॉब्लम हो गई। अभी अनाउंसमेंट हो गया है कि भैया आ गया ना, जो भी रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, रुकने की कोई जगह नहीं है, सब अपना अपना यात्री ठिकाना ढूंढ लेना। अब मैंने सोचा यार ठिकाना कहाँ ढूंढूँ मैं यार, क्योंकि कोई टेंट वगैरह कोई लेके नहीं। एक भाई टेंट लेके आया, उसने मना कर दिया कि हम तो 3 लोग हैं, अब रुकेंगे कहाँ। भाई 4 हैं, वो 4 लोग हैं, अब रुके कहाँ। मैंने बोला यार बिठा लेना टेंट, और तक तो बोल रहा है यार भाई देखते हैं। अब भूख भी ज्यादा लग रही थी, अब मैं सोच रहा हूँ यार कि क्या करे। तो भाई लोग बोले मैगी बना लो, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे हाथों की मैगी तुम खाओगे तो जिंदगी भर याद रखोगे, तो मैंने मैगी बनाई। तो मैं बता रहा हूँ इनको कैसे बनानी है, और अर्जित भाई बना रहा है। क्या बढ़िया बन जाएगी ना मैगी भाई, ये बढ़िया बन गई तो तुम्हें शाबाशी देंगे। देखो भाई ये बढ़िया नहीं बने तो मत खाना, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारा पेट खराब हो। मैं खाऊंगा ये पूरी, फिर खराब बनी तो मैं खाऊंगा। तो देखो इसका देखो ना जो कलर आया ना निखर के, बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया। बैठ बैठ, अरे कुछ नहीं गंदा होगा, बैठ तू, चम्मच चला मैं देखो। नहीं मतलब तुम पैंट गंदे की बोतल, लड़ते लड़ते बना रहे तो उसमें सारा टेस्ट आएगा आज। स्पाइसी भी, स्वीट कॉर्न का भी टेस्ट आएगा, सब आएगा इसमें। स्वीट कॉर्न वाला ये भी डाल दिया है, सूप वगैरह सब कुछ डाल दिया। स्वीट कॉर्न का कहां गया, मैगी वैगी डाल दी सब। फटाफट खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैगी वगैरह खाने के बाद फिर आगे का ट्रैक कर रहे हैं, और मैं निकल रहा हूँ भीमबली से आगे। गाइस अब मैं पहुँच चुका हूँ रामबाड़ा। रामबाड़ा से 2 रास्ते कट रहे हैं, एक रास्ता आप देख रहे हैं सामने जो पुलिया दिख रही है, वो स्पेशली जो खच्चर वगैरह लेके जाते हैं उनके लिए वो रास्ता बनाया गया है। पैदल भी जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। और एक आप देख रहे होंगे ब्रिज सामने, तो वो ब्रिज है पैदल लोग जो जा रहे हैं उनके लिए। दोनों जो भी जिसको ऑप्शन लगे उसमें जा सकते हैं। हेलो मेरी
गाइस अभी मैं रामबाड़ा और केदारनाथ के ट्रैक के बीच में हूँ और ये एक ब्रिज है जो कि केदारनाथ यात्रा में सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि ये ब्रिज है जो कि रामबाड़ा को केदारनाथ यात्रा से जोड़ता है। अब इसके आगे देखो काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आ जाती है, पूरा जिगजैग के अंदर अपन को उधर चलना है, जो वाइट वाला आपको पार्ट दिख रहा बर्फीला पार्ट, तो अब थोड़ा टफ हो जाता है चढ़ाई को करना। तो जैसे हम रुकते रुकते करेंगे चढ़ाई को पूरा कंप्लीट करेंगे और हम अप्रोक्सीमेट 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम काफ़ी जगह रुकते हुए जा रहे हैं, 5-10 मिनट आधे घंटे भी रुक रहे हैं कहीं कहीं पे, तो रुकते रुकते जा रहे हैं और आराम से जा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। बट रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया, वो उसका देखते हैं कैसे क्या होता है। गाइस बस मैं लिंचोली पहुंचने वाला हूं और देखो यहां से जो व्यू दिख रहा है ना बर्फीला पहाड़, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है उसका। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा सर्दी है। गाइस फाइनली बर्फ देखने के लिए मिल गई है और देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है इधर से सामने, देखो यार वो तो बहुत ही प्यारा व्यू है यार, अल्टीमेट व्यू है। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर और चलना है, आई थिंक 5 से 6 तो होगा, तो देखते हैं रूम मिलता है नहीं मिलता। इधर 5-6 किलोमीटर दूर तो मिल रहा है रूम, बट आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे रूम महंगे भी होते जाएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस आज हमारा केदारनाथ के अंदर 4th दिन है। तो गाइस देखो कल क्या हुआ, कल हमने गौरीकुंड से जो चढ़ाई शुरू की थी उसके बाद हम लिंगचोली एक जगह है वहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था और आगे पता लगा कि भाई रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो हमने सोचा यार कि 5 किलोमीटर ज़्यादा जाने के बाद वापस नीचे आए, ऐसा हो करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो हमने लिंगचोली के अंदर ही टेंट ले लिया था, ये अभी मैं आपको टेंट भी बताऊंगा, पीछे आप देख भी रहे होंगे ये सारे टेंट है। मात्र 300 रुपये में हमें यहाँ पर टेंट मिल गया था और जो बेस कैंप में जो टेंट मिल रहे थे वो 1000-1200 रुपये मांग रहे थे, और 2-3 टेंट ही थे वहाँ पे, 2-3 लोगों की जगह थी लेकिन हम लोग थे 7, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अभी काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी हमें क्या मॉर्निंग में 3 बजे जाना था बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, बट थक इतना गए थे कि नींद खुली नहीं। अभी 7 बज रही है, अभी 7 बजे हम वापस ट्रैक शुरू करेंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर और चलना है बाबा केदारनाथ के, उसके बाद दर्शन हो जाएंगे। और देखो ये हेलीकॉप्टर वगैरह जो बुक करते हैं तो वो उनके लिए तो काफ़ी बेस्ट होने वाला, मात्र 5 मिनट में पहुंच जाते हैं बाबा केदारनाथ के धाम, दर्शन किए 1-2 घंटे में वापस नीचे आ जाते हैं फाटा। 2 जगह से उठते हैं, मुझे फाटा जगह के बारे में ही पता है। तो व्यू यार कितना प्यारा है, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखो। तो यहाँ पर अभी हमने कॉफ़ी वगैरह बनाई है, कॉफ़ी वगैरह पी के ऊपर चढ़ेंगे ट्रैक करेंगे। और गाइस ये देख के आप बिल्कुल भी मत समझना कि हम यहाँ पे गंदगी करने वाले हैं, प्रॉपर सफाई करके जाएंगे, सब कुछ हम हटा के जाएंगे यहाँ से। तो एक कमल भाई है साथ में, नागपुर के भाई लोग हैं जो हमें यही मिले थे ट्रैक पे। नाम बताओ यार, नाम क्या क्या है? आकाश। आकाश और एक भाई और है। ये बात अभी भरा दे अपने जान बहुत भाई, ये लोग कैसे उठाते हैं मुझे नहीं पता लेकिन बहुत खतरनाक है भाई, संभालना नहीं जा रहा भाई। मुझे केदारनाथ बाबा के पास ले जा। इसी के तो 12,000 रुपए लेते हैं। केदारनाथ बाबा के पास ले जा यार अभी। ठीक है मत करना साले। आराम से रहना ठीक है, आराम से आराम से। वाह भाई वाह, पास आ भाई, पास आ मुंडा, है कि ये जाने दे बच्च। तो भैया को यार सलूट है यार, मेरे को चक्कर आने लग गए, भाई को उठाने में उठे नहीं। तो भाई जो भी आ रहे हैं लोग तो उनकी मेहनत की कदर करें और जो ये पैसे मांगे उनको दे, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, 16 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, बोला भी नहीं जा रहा गाइस। मेरा पैर तो भैया अच्छा लगा मिलके आपसे। मेरा गाइस बड़ी लिंगचोली से मैं ऊपर आ चुका हूँ, वो जो हेलीपैड देख रहे हो वहाँ पे हमने टेंट लिया था। ऊपर आने के बाद बहुत प्यारा व्यू मिलता है, वैसे तो रास्ता वो है लेकिन मैंने शॉर्टकट लिया था। अब देखो ऊपर आने के बाद
यहाँ देखो कितनी गंदगी है, लोग देखो प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे फेंक दिए। कोशिश करो यार सब अपना अपना जो वेस्टेज सामान है वो डस्टबिन में डालो या फिर नीचे लेके जाओ नीचे डालो, लेकिन देखो ऐसे गंदगी मत करो यार। पहाड़ों की खूबसूरती धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अब देखो जो व्यू दिखाने वाला हूँ ना आपको वो और भी शानदार है, दोनों तरफ बर्फ और बीच से रास्ता निकल रहा है। अच्छा हुआ कैमरा नहीं लगा। भाई अगर यात्रा के दौरान आपको ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है, ऑक्सीजन आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका कम होगा तो 10 मिनट की आपको विश्राम और ऑक्सीजन दी जाएगी, उससे क्या है आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, और साथ में जो कोई भी आपको तकलीफ हो रही है उसकी मेडिसिन भी मिल जाएगी। जगह जगह ऐसे कैंप लगाए गए हैं। गाइस अब मैं आ चुका हूँ नंदी बेस कैंप, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है बाबा केदारनाथ का मंदिर। अब बेस कैंप में क्या है आपको टेंट और डॉर्मेट्री मिल जाती है GMVN की, और भी कई फैसिलिटीज़ मिल जाती है। गाइस देखो रिटर्न बैक के लिए भी आपको यहाँ से खच्चर वगैरह मिल जाता है कम प्राइस में। बेस कैंप में देखो जैसे मैं आया ना तो मुझे जैसे लोग बोल रहे थे रुकने की जगह नहीं है, वो इसलिए नहीं थे रुकने की जगह, टेंट तो यहाँ पे लगे थे लेकिन बर्फबारी इतनी हुई कि जो टेंट थे वो पूरे बर्फ से ढक गए थे, इसलिए यहाँ पे रुकने की जगह नहीं थी। इस तरह यहाँ पे बर्फ़ हटाई जा रही है, और यहाँ पे जब बर्फ़ हट जाएगी उसके बाद वापस टेंट लग जाएंगे। ये पूरा नंदी बेस कैंप है, पहले मैं इधर ही रुका था। अब मैं आपको पास से हेलीपैड दिखा रहा हूँ, ये हेलीपैड है, अभी मौसम ख़राब है इसलिए अभी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे, अभी बंद कर दिए। तो देखो हेलीकॉप्टर आएगा जब तो अलग ही व्यू मिलने वाला है यहाँ का। जो फाटा से जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ना वो यहाँ पे आके लैंड होते हैं। अब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है बाबा केदारनाथ बाबा का मंदिर। गाइस मैं पिछली बार आया था ना तो रास्ता देखो सामने ब्रिज दिख रहा है वो वाला रास्ता था, लेकिन इस बार रास्ते को डाइवर्ट कर दिया, अब लंबा टर्न लेके आपको जाना पड़ेगा। तो अब मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, देखो यहाँ का व्यू देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, अभी तो स्नोफॉल भी होने लगा है धीरे धीरे। गाइस मैं मंदिर पहुंच चुका हूं, और देखो मंदिर सामने मंदिर है, और यहां लाइन देखो यार 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है पूरा मंदिर। जय हो केदार बाबा की। तो गाइस ये है बाबा केदारनाथ का धाम, और काफ़ी लंबी चढ़ाई थी, 16 किलोमीटर का ट्रैक था, वो पूरा करके बाबा के धाम आ चुका हूँ। तो पूरा फूलों से सजाया गया है बाबा के धाम को। तो गाइस देखो एग्जिट गेट से तो दर्शन हो नहीं रहे, केवल जो VIP से उनको एंट्री मिल रही है इधर से, बाकी पुलिस वाले खड़े हैं। पिछली बार तो चलो मैंने भी दर्शन कर लिए थे लेकिन इस बार दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, केवल VIPs को ही एंट्री मिल रही है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं बाबा केदारनाथ के, और अब मैं जा रहा हूँ शंकराचार्य के टेंपल। उससे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। गाइस अब मैं मंदिर के पीछे वाले हिस्से पे आ चुका हूँ, ये पिछले बार भी मैंने ये वीडियो दिखाई थी और इस बार भी दिखा रहा हूँ। इससे बोला जाता है भीमशिला, भीमशिला ये वो पत्थर है जो उस समय जो पानी आया था पहाड़ों से बह के जो पानी आया था उस 2013 के अंदर, तो ये जो भीमशिला है ये यहाँ पत्थर आके यहाँ रुक गया था। इससे क्या हुआ पानी जो है
दो भागों में डिवाइड हो गया था और मंदिर को 1% भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसे उस समय से भीमशिला बोला जाता है, भीमशिला का नाम दिया है। अब यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, भीड़ देखो बाबा केदारनाथ के। अब मैं जा रहा हूँ शंकराचार्य मंदिर, देखो ये पीछे वाला हिस्सा मंदिर का और ये रास्ता जा रहा है शंकराचार्य जी के मंदिर। तो गाइस ये है शंकराचार्य जी की समाधि, मंदिर बोल लीजिए समाधि बोल लीजिए, वैसे तो समाधि है। और ये रहा पीछे मंदिर, तो इस तरह नीचे जाना पड़ता है शंकराचार्य जी की समाधि देखने के लिए। मीडिया एक्सपर्ट। तो गाइस मैंने शंकराचार्य जी के आपको दर्शन करा दिए हैं, ये समाधि है उनकी जो मंदिर के बिल्कुल पास में। अब मैं जा रहा हूँ भैरू बाबा के मंदिर, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना। आपको हमने प्रॉपर दर्शन कराने की कोशिश की है भगवान केदारनाथ बाबा के और आसपास की लोकेशन भी दिखाई है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।